तो देखिए हमारे मठा के आलू बनके तैयार हो गए हैं। और ये गया हमारा मठा, अब हमको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है आपका कंचन जौनपुरिया व्लॉग में। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि यूपी की, हमारे यूपी की सबसे ज्यादा फेमस रेसिपी है और आपने भी कभी ना कभी खाया ही होगा, जो कि सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए, तो आज हम बनाने वाले हैं यूपी की सबसे ज्यादा फेमस रेसिपी जिसको कहते हैं मठा के आलू, जो कि सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार होती है। तो चलिए फिर बनाते हैं। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं कि मठा के आलू बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो हमने 2 बड़े उबले हुए आलू लिए, इसको हमने क्रश कर लिया है। उसके बाद ये है हमारा मठा जिसको बोलते हैं छाछ। तो मसाले हमको क्या क्या चाहिए, तो ये देख लीजिए, ये हरी मिर्च, जीरा, राई, नमक, धनिया, हल्दी और ये है हींग, ये है कड़ी पत्ता और ये है हरी धनिया। तो चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले हम जलाएंगे गैस। और भाई ये जो मठा के आलू रेसिपी है ना, ये सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और हमारे यूपी की सबसे ज्यादा फेमस डिश है। तो सबसे पहले हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, हम लोहे की कढ़ाई में बनाने वाले हैं। आप जिसमें भी बनाना चाहें आप उसमें बना सकते हैं। तो कढ़ाई पहले गर्म करते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो हम सरसों के ऑयल में बना रहे हैं मठा के आलू, तो आप भी इसी में बनाइएगा। हमने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, हमारा ऑयल गर्म होगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और राई। हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, 1 चम्मच है जीरा, हमारा चटकने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे राई, और राई भी हमारा देखिए चटकने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे खड़ी मिर्च। हम खड़ी मिर्च इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा तीखा नहीं खाते हैं, अगर आप चाहे तो इसमें पिसा हुआ लाल मिर्च डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है हींग। तो हींग तो हम इसमें डालेंगे ही, हमने इसमें हींग डाल दिया है और ये देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, हल्दी डाल दिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, पिसी हुई धनिया। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा सा हमारा, ओह कितनी मस्त खुशबू आ रही है, क्या बात है। तो ये देखिए हमारा ये मसाला जो है ये पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे मठा, मठा के हमने ग्लास में निकाल लिया था। और ये गया हमारा मठा, अब हमको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। आप इसमें मठा की जगह दही का भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग दही डाल के मठा के आलू बनाते हैं, लेकिन हम मठा के आलू मठा ही डाल के बना रहे हैं। इसको मठा बोलो या छाछ बोलो, ये देखो अभी हमको इसको एक बॉयल होने तक पकाना है। तो इसको हम चलाते रहेंगे और जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें और चीजें डालेंगे। तो ये जो हमारा मठा ये खोलने लग गया है, अब हम मिला देंगे आलू, जो हमने 2 बड़े हुए आलू लिए थे, इसको क्रश कर लिया था हमने अच्छे से ये। और अब हम इसमें मिला देंगे नमक, तो देखिए हमारे मठा के आलू बनके तैयार हो गए हैं। हमने इसमें नमक डाल दिया, कुछ भी नहीं सिर्फ 2 मिनट लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी धनिया और रोटी के साथ चावल के साथ मस्त खाएंगे। वैसे ये पूरी के साथ ज्यादा अच्छा लगता है क्या, आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और हमें पता है बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते यहाँ, तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए, हम आपको इतनी अच्छी रेसिपी बता रहे हैं, जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए फिर आपको भी खिलाएंगे। तो हमारे मठा के आलू बनके तैयार हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे धनिया और इसको हम सर्व करेंगे प्लेट में खाने के लिए। तो ये देखिए जी हमारे मठा के आलू बनके तैयार हो गए हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वाला वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो और हम तो खाने जा रहे हैं, आपको भी खाना है तो आ जाओ।